engineering constantly pushes its technological envelope to provide gears that would transform the future. Elecon, gearing the future. आज हमारा टॉपिक है फॉरेन फंडिंग. आपको पता होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसों से फॉरेन फंडिंग का मामला ज़ेरे बहस है और इस पर मुख्तलिफ तज्जिया निगारों ने तबसरे किए और लोगों ने राय दी. अल जज़ीरा न्यूज़ आज आपके पास कुछ शवाहिद लेकर आया है. अल जज़ीरा न्यूज़ को भी अपने शवाहिद मौसूल हुए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जो अपने नाज़रीन के सामने पेश किए जाएंगे. नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि फॉरेन फंडिंग का केस शुरू कैसे हुआ, कब हुआ और फॉरेन फंडिंग का मामला क्या है, जिस पर तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए गए. नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग का केस तहरीक इंसाफ पर 2014 में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल करने का मामला इलेक्शन कमीशन में किसी सियासी जमात ने नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और अराकीन में से एक अकबर एस बाबर लेकर आए. जी हाँ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में ये मामला कोई सियासी जमात लेकर नहीं आई बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और अराकीन में से एक अकबर एस बाबर लेकर. अकबर एस बाबर ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की पाकिस्तानियों से फंड्स हासिल किए, ना सिर्फ गैर मुल्की पाकिस्तानियों से और इसके अलावा गैर ममालिक से भी फंड हासिल किए गए. यह इल्ज़ाम किसी और ने नहीं जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और अराकीन में से एक अकबर एस बाबर ने लगाए. गैर मुल्की फंडिंग पाकिस्तान के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है, पाकिस्तानी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता. जब अकबर एस बाबर की तरफ से एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई और उस पर कार्रवाई शुरू होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ये मामला मुख्तलिफ अवकात में 6 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात के फाइनेंशियल एक्टिविटी चेक करने का राइट नहीं है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी जमात के अकाउंट की जांच पड़ताल का हक हासिल नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात की अकाउंट्स की जांच पड़ताल नहीं कर सकता. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और इस मौक़िफ़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई दफ़ा अपना ये मौक़िफ़ देती रही. यह नाज़रीन, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन के ऊपर अपना मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए ये फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जमात के फंड्स की जांच पड़ताल कर सकती है. इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म भी जारी किया कि 2009 से 2013 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जाए, इस दौरान इसमें गैर ममालिक से जो फंड आए उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए. सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहा. 2014 से 2018 तक इस सिलसिले को कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिनाई करती रही और कभी एजेंट्स के ऊपर डालती रही. ये सिलसिला को इसी तरह से 2014 से 2018 तक खींचा गया. रिश्ता चंद रोज़ कबल इस इशू के ऊपर 8 साल बाद एक फैसला सुनाया गया और ये फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाया. इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से पैसा वसूल किया और 34 गैर मुल्कों से भी फंडिंग इनके पास आती रही जिसको प्रूफ देने में ये नाकाम रहे. लगभग 1 अरब रुपए की फंडिंग हुई
अकाउंट्स छुपाना पाकिस्तानी कानून के मुताबिक गैर कानूनी है और मजमूई तौर पर पीटीआई ने जो अकाउंट छुपाए ये पाकिस्तानी सियासत के कानून के मुताबिक आर्टिकल 6 के हिसाब से गैर ममनू गैर मुल्की फंडिंग है। इंसाफ ने 9 वकला को तब्दील किया जबकि 2018 में स्क्रूटनी कमेटी ने इजलास अलग किए और लगभग 95 इजलास हुए इस केस से मुतालिक। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 बार इल्तवा मांगी और कमेटी ने 20 बार ऑर्डर जारी किए जिसमें पीटीआई को मुतालिका डॉक्यूमेंट फराहम करने के लिए मुतअद्दिद बार कहा गया मगर ऐसा ना हो सका। पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल मचा दिया है। हर शख्स परेशान हाल है क्योंकि कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। हर पार्टी के ऊपर कोई ना कोई केस, कोई ना कोई गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम आयद ज़रूर है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जमात सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, इन सब के केसेस अदालतों के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। अब देखना ये है कि इस फैसले से सियासत के अंदर क्या तब्दीली आती है। नाज़रीन अल जज़ीरा न्यूज़ को मौसूल होने वाले शवाहिद भी हम आपको अभी दिखाते हैं जिसमें ये बताया गया है कि कहां कहां से फंडिंग आई है। ये रिकॉर्ड हमारे पास मौसूल हुआ है और हम अपने नाज़रीन को ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि हमारे पास ये जो शवाहिद आए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कहां कहां से फंडिंग आई है। बाकायदा सबकी डिटेल इन दस्तावेजात में मौजूद है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इन दस्तावेजात के अंदर जो डिटेल मौजूद है इसमें ये जाहिर किया जा रहा है कि ये फंड जो है वो गैर ममनुआ फंडिंग है जो कि पीटीआई के अकाउंट्स में आई है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया है। हम आपको यहाँ बताते चल रहे हैं कि अल जज़ीरा न्यूज़ को मौसूल होने वाले शवाहिद जिसकी बुनियाद पर हमने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया और हम आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये शवाहिद को दिखा रहे हैं। अल जज़ीरा न्यूज़ ने हमेशा कोशिश की है कि अपने नाज़रीन को हकीकत से आगाह करते रहें और हम हमेशा इन चीज़ पर गामजन रहेंगे कि हम अपने नाज़रीन को शवाहिद पहुँचाते रहें। क्या सच क्या हक है फैसला आपके ऊपर है। इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।